हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। बच्चों एक सब्सटेंस का नाम आपको दे दिया है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट। तो बच्चों इनका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? तो वैलेंसी जानने के बाद जो अगला स्टेप होता है, अगला टॉपिक वो होता है हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। तो आइए जानते हैं कैसे लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ गिवन सब्सटेंस और कंपाउंड। आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पे कुछ रूल्स हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए पहला रूल लेते हैं, राइट सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन कंपाउंड और सब्सटेंस। बच्चों जो भी आपको कंपाउंड या सब्सटेंस दिया है उसमें जो भी एलिमेंट है उनके सिंबल हम लोग लिख लेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है सब्सटेंस, तो हमने क्या किया, इसके सिंबल सोडियम का सिंबल Na होता है और क्लोराइड का सिंबल Cl होता है, ये हमने लिख लिया। क्या ये आपको क्लियर है? दूसरा पॉइंट है, कीप सिंबल ऑफ मेटल एलिमेंट ऑन लेफ्ट साइड एंड ऑफ नॉन मेटल ऑन राइट साइड। बच्चों हमेशा जब भी आप सिंबल लिखेंगे तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि जैसे यहां पे NaCl लिखा है, अगर मैं इसको ClNa लिखूंगा तो क्या ये सही होगा? ये ही क्यों लिखा जाता है, ये क्यों नहीं लिखा जाता है? तो आइए जानते हैं, जब भी आप किसी कंपाउंड या सब्सटेंस के जो एलिमेंट के सिंबल लिखेंगे तो हमेशा जो लेफ्ट पार्ट में लिखा जाता है इट इज ऑलवेज मेटलिक इन नेचर, वो मेटल होगा बच्चों, और जो हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है वो हमेशा नॉन मेटल होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि NaCl में जो सोडियम हम लोग लिखते हैं लेफ्ट साइड वो मेटलिक है और जो Cl राइट साइड लिखते हैं वो नॉन मेटलिक है? तो आंसर है करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये वाला जो है ये प्रैक्टिस गलत होगी, ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें नॉन मेटल पहले आ रहा है और मेटल बाद में आ रहा है राइट में, ऐसा नहीं होगा। मेटल हमेशा लेफ्ट में आएगा और नॉन मेटल हमेशा राइट में आएगा। क्या ये क्लियर है आपको? दूसरा काम आपको क्या करना है कि हमेशा जो भी आपने वहां पे एलिमेंट के सिंबल लिखे हैं उनकी वैलेंसी नीचे बॉटम पर लिख दीजिए। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे 1 लिखा, और सीएल का वैलेंसी कितना होता है? तो आप जानते हैं सीएल का वैलेंसी भी 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे भी 1 लिखा है। क्या ये आपको क्लियर है? बोलिए बच्चों। अब अगला पॉइंट लेते हैं, राइट वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट और आयन क्रॉस ओवर ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट और आयन फॉर बैलेंसिंग। सर अब ये जो वैलेंसी यहां पे लिखा है ये क्रॉस चली जाएगी एक दूसरे के, Cl की वैलेंसी Na के लिए जाएगी और यहां पर Na की वैलेंसी Cl के लिए जाएगी। तो ये देखिए मैंने एरो कुछ ऐसे बनाया है, क्या ये आपको क्लियर है? क्लियर हुआ आपको? चलिए अब लेते हैं अगला कंपाउंड। अच्छा एक चीज और यहां पर रह गई है, वो भी क्लियर कर देते हैं। पॉली एटॉमिक आयंस आर कैप्ट इन ब्रैकेट ड्यूरिंग राइटिंग। जो पॉली एटॉमिक आयन होते हैं जैसे सल्फेट है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, तो बच्चों उनको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। क्लियर है? प्रैक्टिस करेंगे क्लियर होगा। अभी अगला प्रैक्टिस करते हैं कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। सर यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट दिया हुआ है सब्सटेंस और कंपाउंड, मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चों आइए क्या करता हूं, सबसे पहले पोटेशियम क्लोराइड में मैं इसके सिंबल लिखूंगा। तो मेरे को पता है आप जानते हैं कि पोटेशियम का सिंबल जो होगा एलिमेंट का सिंबल के होगा, सल्फेट का सिंबल SO4 होगा। क्या ये क्लियर है आपको? हाँ ये क्लियर है। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं क्योंकि ये पॉली एटॉमिक आयन है। क्लियर? अब बात करते हैं कि सर पहले तो हमें जो भी सब्सटेंस दिया है उसमें एलिमेंट के सिंबल लिखेंगे, लिख दिया, अगर पॉली एटॉमिक है तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे, नहीं है तो ऐसा सच रखेंगे। हमेशा जो पहले लिखा जाता है वो हमेशा मेटल होता है सिंबल, और जो बाद में लिखा जाता है वो नॉन मेटल होता है। तो पोटेशियम सल्फेट नाम से ही चल रहा है, पोटेशियम जो पहले के आएगा वो मेटल होगा और सल्फेट जो पीछे आ रहा है बाद में राइट में आ रहा है वो कैसा होगा? नॉन मेटलिक इन नेचर होगा। उसके बाद इनकी वैलेंसी लिखते हैं। आपको बताया कि पोटेशियम की वैलेंसी जो होती है सर वो 1 होती है और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। तो मैंने एलिमेंट लिखा पहले सब्सटेंस के, उसके बाद मैंने उनकी वैलेंसी बॉटम पे लिख दी। क्लियर है? अब मुझे देखना है कि ये वैलेंसी जो है ये इनको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए ये क्रॉस ओवर चली जाएगी, यानी सल्फेट की वैलेंसी 2 के लिए जाएगी और बच्चों ये 1 की जो वैलेंसी पोटेशियम की है ये सल्फेट के लिए जाएगी। क्या ये क्लियर है आपको? तो फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, फॉर्मूला आएगा बच्चों
यहां पे देखते हैं ये हो जाएगा, बताइए के सामने जब क्रॉस ओवर वैलेंसी लिखी जाएंगी यानी सल्फेट की वैलेंसी के सामने और पोटेशियम की वैलेंसी सल्फेट के सामने, तो आप ही बता दो फॉर्मूला क्या होगा, K2SO4। क्या ये क्लियर है आपको? बोलिए बच्चों, क्लियर? अब सर यहां पे फॉर्मूला नहीं बताया था, तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा? तो सर यहां पे फॉर्मूला होगा Na1Cl1, और बच्चों ऐसे नहीं लिखते हैं, वन को अंडरस्टूड रहता है, वो लिखा नहीं जाता है, सो फॉर्मूला विल बी NaCl। क्लियर है? अब मैं आपको एक कंपाउंड और देता हूं और उसका नाम है बच्चों हमारा कॉपर, बल्कि काम करते हैं हम लोग लिखते हैं कॉपर जी सल्फेट या कॉपर नाइट्रेट ले लेते हैं बच्चों, कॉपर नाइट्रेट हमने ले लिया है और ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग यहां पर बच्चों 2 लिख देते हैं। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, कॉपर नाइट्रेट 2 का मतलब ये है कि यहां पर पहली बात तो सब्सटेंस का नाम देखिए, नाम में कॉपर आ रहा है पहले और नाइट्रेट आ रहा है पहले बाद में, पीछे राइट साइड में आ रहा है, तो कॉपर जो होगा वो मेटलिक पार्ट होगा, नाइट्रेट जो होगा वो नॉन मेटलिक होगा, और यहाँ पे 2 देने का मतलब आप अगर चार्ट याद है तो आप जानते हैं कॉपर की वैलेंसी 2 तरह की वैलेंसी शो करता है कॉपर, एक क्यूप्रस रहता है और एक क्यूप्रिक रहता है, जहां भी अस लगेगा वो लोअर वैलेंसी के लिए होता है, जहां भी इक यूज करते हैं वो हायर वैलेंसी के लिए होता है। कॉपर की दो वैलेंसी होती है 1 और 2, तो बच्चों ध्यान रखिएगा कॉपर की वैलेंसी जब 1 होती है तो उसको बोलते हैं क्यूप्रस, और कॉपर की जब वैलेंसी 2 होती है तो यानी यहां पे 2 लिखा हुआ है तो ये क्यूप्रिक होगा। क्लियर है? अब कॉपर का सिंबल आप जान बताइए मुझे क्या होता है, तो सर आप बोलेंगे Cu होता है, नाइट्रेट का क्या होता है, तो आप बोलेंगे NO3 होता है। अब इसको बच्चों ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये कैसा है, पॉली एटॉमिक आयन है आपका, हो गया। अब उसके बाद इनकी वैलेंसी लिखी जाएगी बॉटम पे, तो कॉपर की कितनी होती है, कॉपर ये 2 है सर, क्यूप्रिक है, तो सर यहां पे 2 होगी, और नाइट्रेट की कितनी होती है बच्चों, तो आंसर नाइट्रेट की 1 होती है। अब ये वैलेंसी हमको बैलेंस करनी है, तो वैलेंसी क्रॉसओवर जाएगी, क्रॉसओवर कैसे जाएगी, कॉपर की वैलेंसी 2 जो है वो नाइट्रेट के लिए जाएगी और ये नाइट्रेट की 1 वैलेंसी कॉपर के लिए जाएगी। क्या ये क्लियर है आपको? तो सर बता दीजिए ना फॉर्मूला क्या होगा, तो सर आइए लिखते हैं फॉर्मूला क्या होगा। सर फॉर्मूला बनेगा CuG, Cu क्या सर 1 होगा यहां पे, और यहां पे NO3 का हो जाएगा ट्वाइस। बच्चों क्लियर है? तो सर देखिए ये फॉर्मूला क्या बना, अब सर 1 तो लिखा नहीं जाता है तो 1 अंडरस्टूड होता है, फॉर्मूला क्या बनेगा, CuNO3 का ट्वाइस। क्या ये क्लियर है आपको बच्चों? देखिए ये बन गया हमारा कॉपर नाइट्रेट, यहां पे कॉपर की देख पा रहे हैं, क्लियर हुआ जी? थोड़ी और प्रैक्टिस कराता हूं, आइए मेरे सर। एक कंपाउंड है मेरा एल्युमिनियम ब्रोमाइड, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, मुझे इन दोनों कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं, तो आइए जनरेट करते हैं। तो लॉज तो आप डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, तो लॉज में पहला क्या होता है कि जो भी आपको कंपाउंड दिया है, सब्सटेंस दिया है, उसके एलिमेंट के सिंबल लिख लीजिए। तो यहां पे 2 एलिमेंट है, एल्युमिनियम और ब्रोमीन, ब्रोमीन से ब्रोमाइड आया बच्चों, तो यहां पे ब्रोमाइड का सिंबल और एल्युमिनियम का सिंबल लिखते हैं। एल्युमिनियम का सिंबल हम जानते हैं Al होता है और ब्रोमाइड का सिंबल Br होता है। सर जो पार्ट पहले लिखा जाता है लेफ्ट साइड पे वो मेटल होता है, जो राइट साइड लिखा जाता है वो नॉन मेटल होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब हमको क्या करना है, यहां पर ईच एंड एवरी एलिमेंट के नीचे उसकी वैलेंसी लिखनी है। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ब्रोमाइड की वैलेंसी 1 होती है। क्या ये आपको क्लियर है बच्चों? अब क्या होगा सर, ये वैलेंसी बैलेंस करनी है, बैलेंस करने के लिए ये वैलेंसी क्रॉसओवर चली जाएगी ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ फॉर्मूला। जब फॉर्मूला लिखेंगे तब वैलेंसी बैलेंस करने के लिए ये वैलेंसी एक दूसरे के क्रॉसओवर एलिमेंट चली जाती है, यानी कि Al की 3 वैलेंसी Br के सामने लिखी जाएगी और Br की 1 वैलेंसी Al के सामने लिखी जाएगी। तो आप ही बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा सर, AlBr3। सर आपने 1 क्यों नहीं लिखा बच्चों, 1 अंडरस्टूड होता है, वो नहीं लिखा जाता है। क्लियर है? तो आपको क्लियर हुआ एल्युमिनियम ब्रोमाइड फॉर्मूला क्या होगा, AlBr3। अब बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट की। बच्चों कैल्शियम सल्फेट यहां पे कंपाउंड सब्सटेंस दिया हुआ है, पहला स्टेप क्या होता है सर, यहां पे उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है उसके सिंबल लिखिए। तो आप जानते हैं कैल्शियम का Ca होता है और सल्फेट जो पॉलीएटॉमिक यहां पर आयन है इसका सिंबल SO4 होता है। क्लियर हुआ?
और जो पॉलीटॉमिक होगा उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ये रूल्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए क्या होता है बच्चों, कैल्शियम की वैलेंसी नीचे लिखनी है, तो आप ही बता दीजिए ना वैलेंसी क्या होती है। तो आपने कहा कैल्शियम की वैलेंसी होती है सर 2, और सल्फेट की कितनी होती है 2। बच्चों बहुत अच्छी बात है, आपको याद हो गया है, जिनको याद नहीं है वो याद जरूर कर ले, वैलेंसी चार्ट बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब ये वैलेंसी जब फॉर्मूला में लिखूंगा तो ये वैलेंसी होगी, ये क्रॉस ओवर जाएगी टू बैलेंस। तो बच्चों ये वैलेंसी यहां पे गई और ये वैलेंसी यहां पे गई, क्लियर है? यानी कैल्शियम की दो वैलेंसी सल्फेट के सामने और सल्फेट की दो वैलेंसी कैल्शियम के सामने। फॉर्मूला क्या होगा सर बता दीजिए ना, Ca2SO4 का ट्वाइस होगा। क्या ये क्लियर है आपको? अब सर देखिए दोनों में यहां पे दोनों की वैलेंसी 2-2 है और ये कॉमन हो रहा है बच्चों, तो अब क्या करेंगे यहां पे फॉर्मूला बनेगा Ca SO4। क्लियर हुआ सर? 2 से 2 चला जाएगा, तो ये 2 1 2 हो जाएगा, ये सल्फेट होगा, और आप जानते हैं 1 लिखा नहीं जाता है। सो फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट विल बी CaSO4। होपफुली बच्चों क्लियर हुआ होगा। पॉज कीजिए, कॉपी पेंसिल उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए और अब शुरू करते हैं आपकी असाइनमेंट। क्लियर है? ये असाइनमेंट का आंसर आपको जो है बच्चों कल दोपहर तक सबमिट करना है। क्लियर? नोट कीजिए जो, अब लेते हैं असाइनमेंट। बच्चों ये असाइनमेंट आपको कल दोपहर 1 बजे तक सबमिट करना है। क्या आपको क्लियर है? आइए, राइट फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहले क्वेश्चन में आपको इनके फॉर्मूले लिखने हैं, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम ऑक्साइड, फेरिक क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, आयरन थर्ड सल्फाइड, कॉपर क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइड। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट जेड इज 4, देन राइट फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। यानी जेड जो एलिमेंट है इसका आपको ऑक्साइड बनाना है। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ द कार्बोनेट ऑफ मेटल एम इज M2CO3, देन राइट फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। क्लियर है? यानी मेटल एम का आपको ऑक्साइड बनाना है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के, राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहले मैं आपने कंपाउंड से फॉर्मूला लिखा था, यहां पे फॉर्मूले से आपको उसका नाम लिखना है। L2SO4 थ्राइस, K2SO4, CaSO4, NaNO3, AlPO4, H2S। क्या ये आपको क्लियर है? नोट कीजिए।